सो हे गाइस, आप भी इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से अपने फ़ोटो और किसी और के फ़ोटो के साथ, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो आपको इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाने के लिए कैनमास्टर ऐप को ज़रूरत पड़ेगी। तो कैनमास्टर ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के होम पेज पर। सो है गाइस, सबसे पहले हम कैनमास्टर ऐप को ओपन कर लेते हैं। कैनमास्टर ऐप ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे और 9:16 का रेशियो हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद हम फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे, जिस फोटो से हम स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं उन फोटो को हम सिलेक्ट कर लेंगे। फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर से मीडिया में जाते हैं, एक और फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर से मीडिया में जाते हैं, फिर से एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने मर्ज़ी अनुसार जितना चाहे उतना फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको मर्ज़ी, आप कितने फ़ोटो को स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं। तो हम 6 फ़ोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम शुरू में चलेंगे। शुरू में आने के बाद इन सारे फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और इसका टाइम लाइन ड्यूरेशन हम 3 सेकेंड कर देंगे। उसके बाद हम शुरू में चलाएंगे। शुरू आने के बाद हम फिर से शुरू वाले फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे चलाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर क्लिप ग्राफी दिख रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओवरऑल एनिमेशन 1 दिख रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे और 11 नंबर का इफेक्ट हम ले लेंगे, लगा लेंगे। और फिर से सेकेंड वाले फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और सेम प्रोसेस, यहाँ पर क्लिप ग्राफी दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। ओवरऑल एनिमेशन दिख रहा है, उस पर हम फिर से क्लिक करेंगे और 11 नंबर को हम ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इन सारे फ़ोटो में इसी तरह का इसी इफेक्ट को हम लगा लेंगे। सारे फोटो में इफेक्ट लगने के बाद हम फिर से शुरू में चलाएंगे। शुरू में आने के बाद यहाँ पर लेयर वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे और मीडिया में चले जाएंगे। मीडिया में आने के बाद यहाँ से हम एक टेम्पलेट वीडियो सिलेक्ट कर लेंगे। इस टेम्पलेट वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम इस टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इस टेम्पलेट वीडियो को थोड़ा सा आगे करेंगे और यहाँ पर कैसे वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके ट्रिम टू लेफ्ट हम कर देंगे। उसके बाद हम इस टेम्पलेट वीडियो पर क्लिक करेंगे और इसे थोड़ा सा आगे कर देंगे। उसके बाद हम फिर से इस टेम्पलेट वीडियो पर क्लिक करेंगे और नीचे चलाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन दिख रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे और इसे फुल स्क्रीन कर देंगे। उसके बाद हम बैक चलाएंगे। बैक आने के बाद फिर से नीचे चले आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर क्रोमा की वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे और इसे हम इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद यहाँ पर की कलर दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक ग्रीन कलर का कलर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम बैक चलाएंगे। बैक आने के बाद हम इस वीडियो को प्ले करके देख लेंगे कि हमारा वीडियो सही तरीके से एडजस्ट हुआ है कि नहीं। तो हमारा वीडियो सही तरीके से एडजस्ट नहीं हुआ है, इसके लिए हम शुरू वाले फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जूम वाला पेन जूम वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे और बराबर पर क्लिक करके इस फ़ोटो को हम इस तरीके से अपने फिंगर की मदद से इस तरीके से हम रख लेंगे। उसके बाद हम फिर से सेकेंड वाले फोटो, उसके बाद हम बैक चलाएंगे। बैक आने के बाद फिर से हम सेकेंड वाले फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और जूम वाले ऑप्शन पर फिर से चला जाएंगे और बराबर पर क्लिक करके इस फोटो को भी हम इस तरीके से हम अपने फिंगर की मदद से एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद हम फिर से बैक चलाएंगे। बैक आने के बाद फिर से तीसरे वाले फ़ोटो पर क्लिक करेंगे
और यहाँ पर पेन जूम वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके बराबर पर क्लिक करेंगे और अपने फिंगर की मदद से हम इसे इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। फिर से बैक चलाएंगे, सारे फ़ोटो में इसी तरीके से हम एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद हम ओके कर देंगे। उसके बाद एक बार फिर से हम चला कर देख लेंगे कि हमारा वीडियो सही तरीके से एडजस्ट हुआ है कि नहीं। तो ये फोटो हमारा जो सही तरीके से एडजस्ट नहीं हुआ है तो हम फिर से एडजस्ट कर लेंगे और बैक चलाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे और वीडियो को सेव कर लेंगे। वीडियो सेव करने के बाद हम बैक चलाएंगे, बैक आने के बाद इस टेम्पलेट वीडियो को हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम इन शुरू वाले फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जूम वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके हम फोटो को फुल स्क्रीन पर जूम कर लेंगे। फिर से बैक चलाएंगे, फिर से इस सेकेंड वाले फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, जूम वाले ऑप्शन में जाएंगे और फुल स्क्रीन कर देंगे। इसी तरह से हम सारे फ़ोटो को हम जूम कर लेंगे, फुल स्क्रीन कर लेंगे। फुल स्क्रीन करने के बाद हम फिर से शुरू में चलाएंगे, शुरू में आने के बाद हम इन सारे फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और एडजस्टमेंट में चले जाएंगे। एडजस्टमेंट में आने के बाद हम कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और सेचुरेशन को 0 पर कर देंगे। कंट्रास्ट को थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे और सेचुरेशन को हम 0 पर कर देंगे। कंट्रास्ट को सही पर कर देंगे और सेचुरेशन को 0 पर कर देंगे। हम सारे फोटो में इसी तरीके से हम एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर लेयर वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे और इफेक्ट में चले जाएंगे। इफेक्ट में आने के बाद यहाँ पर बेसिक इफेक्ट दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को ले लेंगे। फर्स्ट वाले ऑप्शन को लेने के बाद इसे हम फुल स्क्रीन में इस तरीके से हम लगा लेंगे। उसके बाद हम बैक चलाएंगे, बैक आने के बाद हम फिर से इस टाइम इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और इसका टाइमलाइन ड्यूरेशन हम वीडियो के लास्ट तक कर देंगे। उसके बाद फिर से इस इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेटिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके हम इसे 4 कर देंगे। उसके बाद हम बैक चलाएंगे, उसके बाद यहाँ पर फिर से लेयर वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे और मीडिया में चले जाएंगे। मीडिया में जाने के बाद हम जिस वीडियो को एक्सपोर्ट किए हैं उस वीडियो को हम ले लेंगे। उसके बाद नीचे चलाएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर स्क्रीन वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे और इसे हम फुल स्क्रीन कर देंगे। उसके बाद हम फिर से इस वीडियो पर क्लिक करेंगे और नीचे चलाएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर क्रोमा की वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसे हम इनेबल कर देंगे और की कलर पर क्लिक करके हम ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद हम बैक चलाएंगे, बैक आने के बाद हम फिर से लेयर पर क्लिक करेंगे और मीडिया में चले जाएंगे। मीडिया में आने के बाद यहाँ से हम एक और टेम्पलेट वीडियो ले लेंगे और इस टेम्पलेट वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और नीचे चले आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे और इसे फुल स्क्रीन कर देंगे। उसके बाद हम
बैक चलाएंगे, बैक आने के बाद हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे और स्कैन कर देंगे। उसके बाद हम फिर से बैक चलाएंगे, उसके बाद हम फिर से लेयर पर क्लिक करेंगे और मीडिया में चले जाएंगे। मीडिया में आने के बाद यहाँ से हम एक लिरिक्स वीडियो को ले लेंगे, जिस लिरिक्स वीडियो से हम स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं उस लिरिक्स वीडियो को हम ले लेंगे और इसे इस तरीके से थोड़ा सा जूम करके हम यहाँ पर रख लेंगे। रखने के बाद वीडियो को थोड़ा सा आगे करेंगे और उसके बाद हम नीचे चलेंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ से स्कैन कर देंगे। उसके बाद हम वीडियो को शुरू में चलाएंगे, शुरू में आने के बाद हम वीडियो को प्ले करके देख लेंगे कि हमारा वीडियो किस तरह का बन चुका है। सो हमारा वीडियो बहुत कमाल का लग रहा है, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी नए वीडियो डालें तो आप तक तो जल्द से जल्द चले जाए। सो आप मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। यहाँ पर एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे और वीडियो को एक्सपोर्ट हम कर देंगे।